बैक टू द चैनल। चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मई मंथ की, क्योंकि मई आज 1 जून है तो मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC, SSC, स्टेट PCS, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें आपका करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आता है, ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपना पेन और नोटपैड उठा लीजिए ताकि आप इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते चलें। मई में काफी सारे इम्पोर्टेंट डे थे, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर हो सकेगा तो वो वीडियो आप लोग अगर चाहेंगे तो हम मई के इम्पोर्टेंट डेज की एक अलग वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो कौन सा देश है जिसने ये रॉकेट लॉन्च किया है, द लॉन्ग मार्च 5B? कहां से लॉन्च हुआ है ये? हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से। जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं या किसी क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं MCQ को, तो कोशिश करें उससे जुड़े हुए सारे कंसेप्ट को साथ साथ क्लियर करते चलें, ताकि उसमें से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको आए। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर होगा ए, चीन। तो ये थी कुछ रॉकेट की तस्वीरें जो इन्होंने लॉन्च किया। तो यह प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल का लॉन्च किया है? तो जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है उसने कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? आकाश, गरुड़, कोयल, नमन। आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बी, गरुड़ पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये है गरुड़। अगर गरुड़ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो ये ड्रोन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ड्रोन होता है जिसे आप ऊपर उड़ा के और काफी तरह से तस्वीरें ले सकते हैं। तो यह है गरुड़। ये किसने किया है? नगर विमानन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैव लॉन्च्ड गरुड़ पोर्टल। तो गरुड़ का पूर्ण स्वरूप है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। गरुड़ पोर्टल COVID-19 महामारी के मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA नागरिक उड्डयन यानी कि सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा और अन्य योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होती है। हाल ही में किस संस्था द्वारा लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो कौन सी संस्था है जो लॉस्ट एट होम रिपोर्ट बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य एवं कृषि संगठन या फिर विश्व बैंक? तो ये है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये बच्चों से रिलेटेड है। लॉस्ट एट होम, यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड, द रिस्क एंड चैलेंजेस फॉर इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन एंड द अर्जेंट एक्शन नीडेड टू प्रोटेक्ट देम। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे हैं, 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया।
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत के प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत के आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की, तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ये जो फोर्ब्स की लिस्ट है, फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020, पहले स्थान पर कौन है? साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी। तो आंसर आपका जो रहेगा वो है आपका डी, मुकेश अंबानी। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, वेल्थ ऑफ इंडिया रिचेस्ट बिलियनर्स 2020। सबसे पहले है मुकेश अंबानी, उनके बाद आते हैं राधा कृष्ण दमानी, फिर शिव नडार, उदय कोटक, गौतम अदानी, सुनील मित्तल, साइरस पूनावाला, कुमार बिरला, लक्ष्मी मित्तल, अजीम प्रेम जी एंड दिलीप संघवी। तो इस तरीके से ये है, मुकेश अंबानी का ग्राफ काफी बड़ा है, ये लोग फिर भी लगभग इतने ग्राफ में हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखे हैं और मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति भी हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, इसके बावजूद भी वो पहले स्थान पर हैं। वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा किशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे अमीर व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? तो गरीब कल्याण योजना के साथ कितने रुपए हैं? 500 रुपए जो आपके जनधन अकाउंट में अभी आते हैं, वो जिसकी तीसरी किस्त अभी आनी बाकी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? कोरोना वायरस के खतरे के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे जो कमजोर वर्ग हैं, उनकी मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज है। ये पैकेज को किस तरीके से बांटा गया है? सबसे पहले गरीबों के लिए क्या किया गया है, 80 करोड़ रुपए गरीब परिवारों को अगले 3 महीने तक उनको अतिरिक्त 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 दाल मिलती है। महिलाओं के लिए क्या किया गया? प्रधानमंत्री जनधन खाता धारक महिलाओं को 3 महीने तक 500 रुपए प्रति माह, जिसकी 2 किस्त आ चुकी हैं, इसकी जानकारी हम आपको अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बेल आइकन में फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है ताकि सारी की सारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तीसरी किस्त कब आएगी ये भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगी। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को अगले 3 माह में 3 गैस जो सिलेंडर हैं वो मुफ्त मिले। अन्नदाताओं के लिए क्या किया गया? पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अप्रैल माह में 2,000 रुपए हस्तांतरित किए गए। अब स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG भी हम इसको बोलते हैं, तो इनके लिए क्या किया गया? स्वयं सहायता समूह को बिना संपत्ति गिरवी रखे ऋण लेने की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना महामारी से लड़ रहे 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा दिया गया। कम वेतन और संगठित मजदूरों के लिए 100 से कम कर्मचारी संगठनों में काम करने वाले 15,000 से कम मासिक वेतन वाले कर्मचारियों का 24% PF जो है सरकार ने वहन किया। नौकरी पेशा लोग कोरोना आपदा के दौरान EPF फंड से 75% राशि या 3 माह का वेतन जो भी कम हो वो निकाल सकते थे। 1 अप्रैल से मनरेगा के वेतन में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और विधवाओं के लिए क्या किया गया कि इनको 3 महीने के लिए 1,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में है। इसके अलावा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसके बारे में भी हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दी थी कि किसके लिए क्या था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपए प्रदान किए गए। इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है और पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पंजीकृत थे।
प्रधानमंत्री जनधन योजना एक वित्तीय समावेश कार्यक्रम है जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब लॉन्च किया गया था। आपको ये याद रखना है 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया? तो कौन सी संस्था ने किया? डीआरडीओ, इसरो, एसएससी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आंसर आपका रहेगा ए दोस्तों, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने डेवलप किया यूवी डिसइंफेक्शन टावर। ये आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम हिंदी में डीआरडीओ की फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं, ने एक पैराबैंगनी यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर का विकास किया। यह टावर कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण का नाम क्या है, यूवी ब्लास्ट। इसका विकास डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किया। यह खास तौर पर कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण मुक्त करने में प्रभावी है। यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री, दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो किसको चुना गया, रोस रेलर, ओयले जमीसन, मिचेल सेंटर या टीम सऊदी? रोस टेलर को चुना गया। तो यह है रोस टेलर। रोस टेलर ने तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली मेडल प्राप्त किया। टेलर इस स्तर में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके अतिरिक्त वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी हैं। रोस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए कुल 232 वनडे, 100 टी20 और 101 टेस्ट मैच खेले हैं। हाल ही में किस राज्य ने चाखाओ यानी कि चाखाओ किसको बोलते हैं, चाखाओ बोलते हैं काले चावल को, ब्लैक राइस। तो जो ब्लैक राइस है उसको भौगोलिक संकेतक यानी कि GI का टैग दिया है। कौन से राज्य के हैं ये चावल, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, मणिपुर? अब आपको अगर आंसर नहीं भी आता, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको पता है यहाँ पे तो आपने काले चावल बहुत ही कम देखेंगे, तो आंसर आपका बचा डी, मणिपुर। तो ये है काले चावल की तस्वीर। चाखाओ को GI टैग प्रदान करने के लिए चाखाओ उत्पादक संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था। और चाखाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जाती है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है और इसका उपयोग सामान्य सामुदायिक दावतों में किया जाता है। इन दावतों में चाखाओ की खीर बनाई जाती है। चाखाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे यानी कि विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है, अप्रैल महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को, जून महीने के पहले सोमवार को या फिर मार्च महीने के पहले शुक्रवार को? आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बी। वर्ल्ड अस्थमा डे यानी कि विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना होता है। इस वर्ष को अगर आपसे पूछा जाए कि ये दिवस सबसे पहले कब मनाया जाया था, तो ये मनाया गया था 1998 में। इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। अस्थमा के मरीज जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ही जल्दी सांस फूल जाता है, खांसी आती है, तो यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हाल के वर्षों की बात करें तो बच्चों में यह बीमारी लगभग बढ़ती जा रही है। किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास द्वारा विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सी IIT के प्रोफेसर है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया। नंबर एक, प्रोफेसर का नाम पूछा जाए तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया सौरभ लोढ़ा।
कौन से विभाग ने इनको दिया, कौन से विभाग द्वारा स्थापित है, विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कौन सा अवार्ड दिया गया है इनको नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2020 में, युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन बन गए हैं। तो कौन सी IIT है, ये IIT है आपकी IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे के हैं ये, हैं प्रोफेसर लोढ़ा, नैनो साइंस 2020 यंग कैरियर अवार्ड इनको मिला है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस सरकार के 2 आयामी वैन डेर वॉल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रहे बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेंगे। तो आंसर है आपका दोस्तों 90,000 करोड़। डिस्कॉम और ग्राहकों के हित में ये 4 बड़े फैसले थे। क्या था कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण की व्यवस्था का निजीकरण किया जाएगा, बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों की सुविधाओं को आधार पर चुना जाएगा, डिस्कॉम को ग्राहकों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना होगा और बिजली कंपनियों को समय पर पैसा मिले इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने वाले और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया। होप, तो ये पोर्टल कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। hope.uk.government, इन पर आप देख सकते हैं पोर्टल है उत्तराखंड शासन ने। होप, होप का मतलब क्या है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश से जो बाहर रह रहे हैं वो भी, प्रवासी भी कनेक्ट हो पाएंगे। राज्य के कुशल अकुशल युवाओं का डाटा बेस बनाने और उसके आधार पर रोजगार स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराने के मकसद से यह पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने COVID-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी। तो कौन सा देश है ये आपको बताना है। ये देश जो है आपका वो है दोस्तों इटली। तो उत्तर इटली के बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे अन्य असामान्य बीमारी के मामलों में 30 गुना वृद्धि दिखी और ये जानकारी दी है इटली ने। तो कावासाकी क्या होता है, एक असामान्य रोग होता है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है, बुखार, हाथ पैरों की सूजन, होंठ और गले में जलन, सूजन इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। यह रोग मरीज के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने COVID-19 मरीजों के जांच के लिए हाल ही में किस नामक प्रशिक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की। कौन सा क्या नाम है इस प्रशिक्षण मशीन का, कोमल, कोरोना, कोबास या फिर हिम्मत, आपको बताना है कि कौन सा है ये। तो इसका जो आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों वो है आपका सी, कोबास 6800। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो पीछे मशीन आपको दिख रही है ये है कोबास 6800 मशीन। यह एक टेस्टिंग मशीन है जिससे एक साथ कई मरीजों का टेस्ट किया जा सकता है। इससे रिपोर्ट भी जल्दी आती है और मरीज को आइसोलेट करने में भी आसानी रहती है। अभी जो रिपोर्ट मिलने में टाइम लगता है वो 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। तो कोबा 6800 रोबोटिक्स की क्षमता से एक परिष्कृत मशीन है और इसे राष्ट्रीय रोग निवारण नियंत्रण केंद्र एन
CDC में स्थापित किया गया है। ये स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की आकांक्षा को कम करती है और सरकार ने अब प्रति 1 लाख प्रशिक्षण करने की क्षमता को विकसित कर लिया है। अगला क्वेश्चन, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? 30 जून, 15 जुलाई, 22 मई या फिर 18 मई? आंसर आपका रहेगा सी, 22 मई। अब ये वंदे भारत अभियान क्या है? जो हमारे विदेश में जो भाई बंधु फंसे हैं उनको लाना। तो अभी तक 6037 भारतीय विदेश से लौटे थे, ये पहले चरण का फोटो है आपका। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश से बाहर विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चला और 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। इस दौरान 149 उड़ानों का संचालन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की? सबको ही पता होगा ये 20 लाख करोड़ रुपए। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। तो क्या है ये पैकेज? स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है फॉर लेबर्स, फार्मर्स, ओनर्स, टैक्सपेयर्स, एमएसएमई और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 10% ऑफ जीडीपी है। अब जीडीपी जिनको नहीं पता वो भी अंदाजा लगाने की कितना है, लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का ये जीडीपी हमारा है। लैंड, लेबर, फार्मर्स, ये सब इन पर इनके लिए चलाया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा है। जितना हमारा आर्थिक पैकेज है पाकिस्तान की उतनी जीडीपी है। इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में सूची में शामिल हो गया है जिसने जीडीपी का बड़ा हिस्सा दिया है। हाल ही में किस देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? तो कौन सा देश है वो है दोस्तों चीन। चीन ने ये अपने नाम किया है। तो ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट चीन था, फिर यूएस, यूएसए, यूरोप, रशिया, इंडिया और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये ऑनलाइन नेशंस कप है जो 5 में से 10 मई तक चला। तो ये आपका देख सकते हैं chess.com पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई एन ए एम के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया? तो आंसर आपका दोस्तों रहेगा 177। ये है स्ट्रेंथनिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ENAM प्लेटफॉर्म। 479 मंडियां हैं अक्रॉस 14 स्टेट्स में, 1 यूनियन टेरिटरी में इंटीग्रेटेड हो चुके हैं सो फार। इसके 6 न्यू फीचर्स हैं कि रिवैम्प्ड कर सकते हैं मोबाइल ऐप विद इनहांस फीचर, ग्रेवियंस रेड्रेसल होते हैं, MIS डैशबोर्ड इसका, सेंट्रल फॉर्मर का जो डाटाबेस है इंटीग्रेटेड है, भीम पेमेंट फैसिलिटी है और इंप्रूव्ड वेबसाइट है विद ई लर्निंग मॉड्यूल। तो एकीकृत की गई मंडियों की बात करें तो गुजरात से 17, हरियाणा 26, जम्मू कश्मीर 1, केरल 5, महाराष्ट्र 54, ओडिशा 15, पंजाब 17, राजस्थान 25, तमिलनाडु 13, पश्चिम बंगाल 1। 177 अतिरिक्त मंडियों के शुभारंभ के साथ देश भर में ENAM मंडियों की कुल संख्या 962 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने दिन कर दी है? तो ये भी काफी चर्चा में रहा, आपको इसका पता होगा, 12 घंटे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने COVID-19 के प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायियों को पुनः पटरी पर लाने के मकसद से विभिन्न कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी कारखानों में कार्य करने के लिए पारी 8 घंटे से
बढ़ाकर 12 घंटे की हो गई। तो उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित करने, श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की घोषणा की। उन्होंने कारखानों, दुकानों, ठेकेदारों, बीड़ी निर्माताओं को खोलने के लिए पंजीयन और लाइसेंस का कार्य 30 दिन के स्थान पर एक दिन में होगा। हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो इतिहासकार थे, एक हिस्टोरियन थे। ये आप उनकी तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हरिशंकर वासुदेवन यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। वह कोलकाता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं चीनी केंद्र के निदेशक रहे थे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर और पीएचडी भी पूरी की। भारतीय वायुसेना IAF ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो आंसर है आपका 8,000 करोड़ रुपए। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ेगी। अतिरिक्त होक ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को भी रोक दिया गया। एक अन्य जगुआर री इंजीनियरिंग घोषणा योजना भी थी, जो पूरी तरीके से आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायुसेना ने इस योजना को भी रोक दिया। तो इस योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉर्पोरेशन के इंजनों से लैस किया जाना था। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया? 750 मिलियन डॉलर, 550 मिलियन डॉलर, 450 मिलियन डॉलर या फिर 150 मिलियन डॉलर? आंसर आपका दोस्तों ए है, 750 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने भारत के COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया। इसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना और भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता को $1 मिलियन से बढ़ाकर $2 बिलियन कर दिया है। RBI ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत किया? 3.35%। ये टाइम टाइम पे घटती बढ़ती रहती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रेपो रेट या डिफरेंट रेट RBI की क्या होती है, वो आपको पता लग सके। हाल ही में किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीकों का विकसित किया है? अल्जाइमर एक बीमारी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, याददाश्त थोड़ी देर के लिए चली जाती है। तो कौन सी IIT ने किया है? IIT गुवाहाटी। बी आंसर इसका यहाँ पर है। IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। ये 4 सदस्य की टीम थी जिन्होंने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? ये क्वेश्चन यहाँ पे हाफ है। कोटक महिंद्रा, ये बेसिकली आपकी जो बात है, एक सेकेंड, ये वीडियो KYC की बात हो रही थी। तो वीडियो KYC एक्सेप्ट करने वाला पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ये कोटक महिंद्रा बैंक, जिन्होंने KYC के लिए अपना एक नया प्रयोग कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग KYC सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह सुविधा केवल सेविंग अकाउंट्स के लिए पायलट बेसिस पर हो सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टमर यानी कि KYC मानदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो आधारित KYC विकल्प पेश किया। कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो KYC प्रक्रिया को जोड़ने वाला यह पहला बैंक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय और कितने को लुप्त प्राय के रूप में सूची में रखा गया है? तो यह है आपका 35। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर उभयचरों की एक सूची पोस्ट की है जिसमें 20 प्रजातियां हैं जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं।
35 पर्याय को लुक प्राय के रूप में रखा गया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए रेड बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इनके नाम आपको ध्यान में रखने होते हैं, कौन सी प्रजाति लुक पाई गई, कौन सी को किसमें ऐड किया गया, ऐसे तरीके के क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त उपचरों में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियां और उत्तर पूर्व की कुछ पानियों में शामिल है। विश्व रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है? सी 17 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ये प्रत्येक साल 17 मई को दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य रक्तचाप के बारे में जागरूक फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसको साइलेंट किलर बोला जाता है क्योंकि टेंशन जो है, आपने सुना भी होगा, चिंता चिता का रूप है, तो साइलेंट किलर बोला जाता है इसको। हाइपरटेंशन के प्रति जागरूक फैलाने वाले के लिए इसको दिन को मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम अगर आपकी बार पूछी जाए क्या थी, तो अपना ब्लड प्रेशर नापे, मेजर योर ब्लड प्रेशर, ये इस साल की थीम थी। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 4 वर्ष? आंसर आपका यहाँ पर रहेगा डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत क्या होता है कि आपको गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसका उद्देश्य था कि हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचे, जो महिलाएं चूल्हे पर धुएं में खाना बनाती है उन घरों तक भी ईंधन पहुंचे। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो ये मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना ने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने अभी तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है और इस योजना के तहत 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन को उपलब्ध कराना है। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है? 18 मई, 10 जून, 18 जनवरी या फिर 15 मार्च? आंसर आपका यहाँ पर आएगा ए, 18 मई को म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया गया। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसे सबसे पहले 1983 में मनाया गया था, उसके बाद से यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा। इसका उद्देश्य है कि लोगों को संग्रहालय और पुरातन चीजों की महत्ता के बारे में जागरूक किया जाए। इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? तो ये जुर्माना है आपका 500 रुपए, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। जुर्माना नहीं भरने पर IPC की धारा 188 लोक सेवक के आदेश की अवहेलना, ये आपको ध्यान रखना है कौन सी IPC लगेगी, 188 के तहत कार्यवाही होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए ये सब किया गया है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फोन डे लॉयन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? 250 अरब डॉलर, 750 अरब डॉलर, 950, 350 अरब डॉलर, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है, 750 अरब डॉलर। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फोन डे लॉयन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज इसको माना जाएगा। इसके जरिए प्लास्टिक,
कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की शुरुआत होगी, जो संघ को भी ताकत प्रदान करेगा। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ये है आपका 17.7 करोड़ डॉलर। इसमें 11 राज्य मार्ग बनेंगे। इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु डिजाइन तैयार करने हैं। तो इस तरीके से ये परियोजना आपकी शुरू होगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? तो यह है आपका सी, भारत। विकास दर में यह कटौती COVID-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 25 मई को। प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरीके से अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं, और उन लोगों को तलाश के लिए प्रयास जारी रखने के लिए अभी भी लापता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1983 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। हाल ही में किस देश ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? आंसर आपका आएगा दोस्तों सी, यहाँ पर अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? उन्होंने घोषणा जो की है वो किस देश की है? अमेरिका की। अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन है जो 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा उन्होंने की है। ये 5 ITF खिताब जीत चुकी हैं। बीते 5 सालों में वे चोटों से जूझ रही हैं। 2014 और 2015 में 18 महीनों के दौरान उन्होंने 6 सर्जरियां कराई हैं, जिनमें से 2 हिप सर्जरियां भी हैं, तो इसीलिए उन्होंने भी संन्यास लिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्व सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? ओडिशा। तो कोणार्क कहाँ है, इससे ही इसका जवाब मिल जाएगा आपको। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना शुरू की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से जगमगा करने की योजना शुरू की है। अब बिजली की पूरी जरूरत सौर ऊर्जा के जरिए ही पूरी की जाएगी। यहाँ पर किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? यह है अमेरिका की। तो अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 रुपए निवेश करने का ऐलान किया। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स, जनरल एंटांटलिक के बाद एक माह में जियो प्लेटफॉर्म में यह 5वां बड़ा निवेश है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? कौन से स्टेट ने किया है? ये आंध्र प्रदेश ने रीस्टार्ट को शुरू किया है। इसमें MSME की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है। 10 लाख से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और इसके अंतर्गत MSME सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि MSME सेक्टर की फर्मों को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्राप्त करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा।
तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि कोई भी अगर आपके कम्पिटेटिव, आपके नॉन में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड में अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाए ताकि उनको थोड़ी सी मदद मिले आपके सहारे। तो दोस्तों जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तीन ऑप्शन आपके पास आएंगे, आपको फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है ताकि आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।